जिस प्रकार से माँ काली का अपमान किया गया है उसमें दर्शाया गया है कि किस प्रकार से फिल्म के माध्यम से कि किस प्रकार से माँ काली पोस्टर जारी जो हुआ है सोशल मीडिया पे जो वायरल हुआ है कि माँ काली सिगरेट पीते हुए प्रस्तुत किया गया है, कितनी दुर्भाग्य की बात है, कितनी निंदनीय बात है कि इस गुप्त नवरात्रि के समय में माँ काली का अपमान बार बार जिस प्रकार से बॉलीवुड और फिल्म के लोगों के द्वारा, कभी पीके फिल्म के माध्यम से भगवान शिव का अपमान, अब माँ काली का अपमान दिन पर दिन होता जा रहा है। एक तरफ नूपुर मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नूपुर के वजह से लोगों के गर्दन काटे जा रहे, हिंसा हो रहा है, या उदयपुर की घटना नूपुर को जिम्मेदार ठहराया। तो आखिर जो माँ काली स्वयं दुष्टों का हनन करती हैं, दुष्टों का मर्दन करती हैं, अगर उनके भक्त अगर जो कानून को हाथ में ले लिए तो आखिर क्या अंजाम होगा? माननीय सर्वोच्च न्यायालय से और माननीय जो सरकार में बैठे हुए, जो संवैधानिक पद पे बैठे हुए हमारे मंत्रीगण हैं, सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी से मेरा निवेदन है कि इसको स्वतः संज्ञान में लेते हुए तत्काल इस फिल्म पे प्रतिबंधित किया जाए और स्वतः इनको तत्काल संज्ञान लेते हुए इनको सलाखों के अंदर डाला जाए और फिल्म को न चलने दिया जाए, अन्यथा हिंदू महासभा पूरे देश में प्रचंड आंदोलन करेगी और किसी भी तरीके से ये फिल्म को नहीं चलने देगी और इनको सलाखों के अंदर डाल के रहेगी। इसलिए मेरा पुनः मानना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय न्यायालय, सक्षम जो भी न्यायालय है वो और सरकार भी इसको संज्ञान में लेके हिंदुओं की भावना का सम्मान करते हुए तत्काल रूप से इस फिल्म पे प्रतिबंधित करे, और प्रतिबंधित ही ना करे बल्कि बनाने वाले, पोस्टर जारी करने वाले और हिंदू सनातनियों के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों को सलाखों के अंदर में डाले। मेरी ये मांग है, हमें निवेदन है, प्रार्थना है कि स्वीकार की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, राम राम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।